फिर से बोल दें। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, बढ़िया से पढ़िए, मन से रिविजन भी लगातार करते चले जाइए। तोरा नहीं कह रहे थे रे। हेलो 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 हेलो, पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे उसका रिवीजन कर लिए आप लोग? पक्का पिछले क्लास वाला रिवीजन हो गया है? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा ये सब पता है क्या? बताइए तो, एक ग्राम वसा से के पाचन से कितना मिलता है ऊर्जा? 9.2 कैलोरी। एक ग्राम प्रोटीन से 4.2। एक ग्राम बस ये कार्बोहाइड्रेट से 4.2 है। चलिए बहुत अच्छी बात है। ऊर्जा के सबसे प्रमुख स्रोत में किसका नाम आएगा? किसका? और सर्वाधिक ऊर्जा पूछेगा तब? वसा। भोजन के अवयवों में सबसे ज्यादा मात्रा में हम लोग क्या ग्रहण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं। बहुत अच्छी बात है। जैसा कि कल हम आपको बताए थे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में, और अभी हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? तो अभी पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? तो माइक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे, माइक्रो का मतलब ही होता है सूक्ष्म। माइक्रो का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म, यानी वैसा पार्टिकल्स जिसको समझिए देखना खुले आंखों से मुश्किल हो जाता है, वैसे सूक्ष्म पार्टिकल्स को मैक्रोमोलिक्यूल्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें तीन अणु आता है, जैसे कि सूक्ष्म अणु हो गया, विटामिन्स हो गया, और मिनरल साल्ट यानी खनिज लवण हो गया। तो इस तीनों के बारे में एक भरबली ज्ञान आपके पास है कि सर ये सब छोटा अणु होता है, इसको तोड़ना नहीं पड़ता है, इसको पचाना नहीं पड़ता है, ये पचा हुआ भोजन है और इससे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। इतना सबको पता होगा, कोई दिक्कत की नहीं को? नहीं। अब उसमें चूंकि पार्टिकुलर तीनों अलग अलग नाम लिखा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग तीनों के बारे में एक फंडामेंटल जो नॉलेज था वो आपको पता है कि सूक्ष्म अणु के अंतर्गत जो भी आएगा इसको पचाने की आवश्यकता नहीं है, सूक्ष्म अणु के अंतर्गत जो भी आएगा इसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सूक्ष्म अणु के अंतर जो भी आएगा उससे हमको किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन वो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है, जरूरी है। तो क्या जरूरी है, क्या काम करती है, उसके बारे में हम लोग पार्टिकुलर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विटामिन के बारे में। गौर कीजिएगा, भोजन के जो अवयव आप ग्रहण करते हैं, तो भोजन के कुछ ऐसे भी अवयव ग्रहण करते हैं जिसमें एमीन ग्रुप पाया जाता है। कुछ ऐसा भोज्य पदार्थ आप ग्रहण करते हैं, जैसे कि आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दूध खाते हैं, मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, तरह तरह के चीज, नींबू का रस पीते हैं, संतरा खाते हैं, एप्पल खाते हैं, बहुत तरह के चीज आप ग्रहण करते हैं, तो उसमें कुछ कुछ ऐसे भी भोज्य पदार्थ आप ग्रहण कर रहे हैं इसी में से, जिस भोज्य पदार्थ में एमीन ग्रुप पाया जाता है। कौन सा ग्रुप बाबू पाया जाता है? तो उसमें एमीन ग्रुप पाया जाता है। तो इस एमीन ग्रुप पाए जाने वाले भोज्य पदार्थ जो आप ग्रहण करते हैं, तो उसका नाम, एक वैज्ञानिक का नाम था फंक। वैज्ञानिक का नाम क्या था? एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था फंक। उन्होंने क्या किया कि एमीन ग्रुप का जितना भी भोज्य पदार्थ हम लोग ग्रहण करते हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक नाम ग्रहण दिया था, उसका नाम था वाइटल एमीन। क्या नाम था? तो उसका नाम था वाइटल एमीन। एकदम गौर से देखिएगा, किसने ऐसा कहा था? फंक ने ऐसा कहा था कि एमीन ग्रुप के भोज्य पदार्थ हम सभी लोग ग्रहण करते हैं, तो जिस एमीन ग्रुप के भोज्य पदार्थ को हम लोग ग्रहण करते हैं उसका उन्होंने नामकरण किया था वाइटल एमीन। क्या नामकरण किया था? वाइटल एमीन। और बाद में चल के क्या हुआ, ये जो वाइटल है इससे VIT ले लिया। क्या ले लिया? VIT, और इधर से ही एमीन हो गया, तो दोनों को जोड़ दिया, तो इसका नाम हो गया विटामिन। इसका नाम क्या हो गया? विटामिन। बीट उधर से ले लिया, इधर से एमीन हो गया, दोनों को जोड़ दिया, तो दोनों को जोड़ दिया तो एकरे नाम क्या हो गया? विटामिन। अतः विटामिन के खोजकर्ता का नाम क्या हो जाएगा? विटामिन के खोजकर्ता का नाम क्या हो जाएगा? विटामिन के खोजकर्ता का नाम हो जाएगा फंक। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा,
कि विटामिन का खोज किसने किया, तो विटामिन का खोज फंक ने किया। कैसे बना तो समझ गए कि हम लोग जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उसमें एमिन ग्रुप के एलिमेंट्स जो है हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं, उसी का नाम उन्होंने से वाइटल एमिन रखा था, बाद में दोनों को जोड़ दिया, जब जोड़ दिया तो उसका नाम क्या हो गया, विटामिन। अब मन में जरूर सवाल आया होगा, सर ऐसा क्या हम लोग लेते हैं, तो जैसे आप दूध खाते हैं या आप अंडा खाते हैं, मांस भी खाते हैं, केला खाते हैं, गाजर खाते हैं, सूर्य का प्रकाश एब्जॉर्ब आप करते हैं, तो इस सब में कोई न कोई एमिन, सब में एमिन ग्रुप का ही ये सब एलिमेंट्स है, सारा कंपाउंड एमिन ग्रुप्स का ही है, जिसमें कोई न कोई विटामिन पाया जाता है। जैसे केला में विटामिन बी पाया जाता है, गाजर खाते हैं तो विटामिन ए पाया जाता है, दूध में विटामिन बी और सी दोनों पाया जाता है, या फिर मांस खाते हैं तो उसमें विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन बी भी, विटामिन क्या कहते हैं के भी पाया जाता है, विटामिन कुछ ए भी पाया जाता है। तो तरह तरह के भोज्य पदार्थ जो आप ग्रहण करते हैं तो उसमें कोई न कोई विटामिन पाया जाता है, वो सब एमिन ग्रुप का विटामिन होता है, तो इसलिए उसका नाम पूरा क्या रख दिया गया, विटामिन रख दिया। अब है कि शरीर के लिए क्या जरूरी होता है, क्यों हम इसको लेंगे, तो ये विभिन्न प्रकार की विटामिन क्या करता है, आपके बॉडी में रोग रोधी क्षमता को बढ़ाता है, यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो आपके शरीर में है, तो बीमारियों से लड़ने की क्षमता आपके बॉडी में यह विटामिन बढ़ाने का काम करती है। इसकी कमी से किसी भी व्यक्ति के शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हावी हो जाती है, जैसे आगे विटामिन एक चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो जाता है, विटामिन डी की कमी से हड्डी कमजोर हो जाता है। देखते होंगे बहुत सारा साइकिलों पर गिरेगा तो हड्डी ये टूट जाएगा, एक मतलब कर हड्डी बहुत कमजोर है, कोई छतों पर गिरता है तो नहीं कुछ होता है, कोई साइकिलों पर गिरेगा तो हड्डी टूट जाएगा, इसका मतलब उसके बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी, क्योंकि जिसके शरीर में विटामिन डी का अभाव रहेगा वहां हड्डी में कैल्शियम की मात्रा नहीं बढ़ पाएगी, कम हो जाएगी, यानी विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए उत्तरदायी है, तो आपके शरीर में इसका मतलब धूप लगना चाहिए, आपको कभी कभी मांस खाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति देखिएगा रात दिन घरे में पैक रहता है उसको विटामिन डी उसको नहीं मिल पाता है तो उसका चेहरा देखिएगा धीरे धीरे पीला होने लगता है। कोई भी विवाहित लड़की को आप देखिएगा जब वो ससुराल से लौट कर जाती है बहुत सुंदर लगती है, नहीं देखे हैं आप ऐसा, तो कोई नया बात हम बोले, पुराना बात है, क्यों, क्योंकि जब वहां तो साइकिल से रन मारते रहती है, ई टोला ऊ टोला, रेशमिया रे पुजिया रे फलन मारे ठकन मारे, वो जब ससुराल आई तब तो घर से निकलबो नहीं कर रही है 6 महीना तक, नहीं सूर्य का प्रकाश कहां से देखेगी, केखन भोर हुआ केखन सांझ हुआ पता कहां चला था, अपने भोर हुआ अपने सांझ हुआ नहीं, रोते रोते ओकर हालत खराब है, तो जितना उसके चेहरा का आंख के अंदर का वायरस था वो कान रोने के क्रम में बाहर निकल गया, धूप ओकरा में लगबे नहीं किया, चेहरा पूरा पीला हो गया, लोग कहता गोर हो गया है, गोर की होगा, बोला सूर्य के प्रकाश का अभाव बेचारी मर रही है, बात बुझ रहा है, तो इसलिए कभी कभी धूप भी लगाना चाहिए। तो घर से बाहर निकलने का नहीं मतलब कम से कम छतों पर जाकर बैठिए, आप लोग कहता नहीं छतों पर बैठेगा तो लोग देख लेगा पड़ोसिया हमें, तो मुंह देखी कैसे देगा, बात बुझ रहा है, ये सब तो कर सके नहीं, मैटर था मैंने कुल मिला कहना ही था, विटामिन जरूरी है, सूर्य के प्रकाश लोगों के शरीर में लगनी चाहिए, बात बुझन गया, अब विटामिन डी की कमी से बीमारी होती है, तो इसीलिए आपके लिए सारा विटामिन जरूरी है, विटामिन यदि आपके शरीर में कम हो जाएगा तो विभिन्न प्रकार का बीमारी क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा, इसलिए बीमारी से बचना है तो विटामिन डी ही आपको लेना है, क्लियर। अब कुछ कुछ पार्टिकुलर जैसे कि अभी केला के बारे में बताए कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा केला में कौन विटामिन ज्यादा पाया जाता है, तो आप आंसर क्या बोल, विटामिन बी, गाजर के बारे में विटामिन ए, नींबू संतरा में विटामिन सी, सेब में विटामिन सी, जितना भी खट्टा टाइप का पदार्थ रहेगा ना उसमें विटामिन सी हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश किसका स्रोत है, पालक हरी साग सब्जी आपका किसका स्रोत है, विटामिन ए का। उसके बाद कहेगा सर विटामिन के भी होता है वो किसमें पाया जाता है, तो आप जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें विटामिन के कहीं नहीं है, तो कहेगा फिर कहां से आएगा हमारे बॉडी में, तो आप देखे होंगे लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में ऊपर में नहीं देखे थे ऐसे ऐसे जो बनल था उसको क्लोन कहा जाता है, तो आपके बॉडी के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ क्लोन जो है यानी बड़ी आंत का जो क्लोन वाला भाग है वहां पर कुछ इंजाइम पाया जाता है, जो इंजाइम विटामिन बी थ्री, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी ट्वेल्व और विटामिन के, इन चारों को वही क्या करता है, उत्पन्न करता है, और वह आपके बॉडी के लिए जरूरी है। कि सर विटामिन के करेगा क्या, तो जैसे आपका हाथ कभी कट जाता है तो देखते होंगे ब्लड थोड़ा देर बहता है फिर अपने क्लॉट हो जाता है,
देखिए चिपचिपा टाइप का एक पदार्थ बनेगा, उसके बाद ब्लड बहना क्या हो जाता है, बंद। तो वो जो चिपचिपा सा पदार्थ बना है और ब्लड बहना बंद हो गया है, वो बंद उसी के वजह से हुआ है, विटामिन के वजह से। यदि बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो ब्लड लगातार चलते रहेगा, जिससे बॉडी को बहुत ज्यादा हानि होगी। अतः विटामिन के भी आपके बॉडी के लिए जरूरी है। अब कहिएगा वो विटामिन के से के अलावा और भी कुछ है जो उसको थक्का बने मदद पहुंचाएगा, तो आपके ब्लड में भी एक प्लेटलेट्स पाया जाता है। अगला टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम, हम आपको पढ़ाएंगे प्लेटलेट्स के बारे में, आपके बॉडी का यानी ब्लड का पार्ट्स है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, सब नाम सुना हुआ लग रहा है, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और रक्त विमाणु, जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं। तो प्लेटलेट्स आपके ब्लड में रहता है, वो भी पूरा लसलसा पदार्थ होता है, उसकी मॉलिक्यूल्स भी क्या करती है, उसको ब्लड को थक्का जमाने में मदद करती है। तो एक तरफ इधर से विटामिन के हो गया और उधर से कभी कभी उस टाइप का ऑप्शन देगा तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स। विटामिन वाला देगा तो विटामिन के, उधर वाला ऑप्शन देगा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स फलनमान थकरमा, तब आंसर क्या हो जाएगा, तब आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। कभी कभी एलिमेंट्स का नाम देता है, जैसे लोहा हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तब आंसर होगा कैल्शियम, क्योंकि विटामिन डी का संबंध किससे है, कैल्शियम से। तो वह कैल्शियम क्या करता है, उसको थक्का जमाने में मदद पहुंचाता है। तो आपके ब्लड के थक्का जमाने में ये सब विटामिन का भी बहुत ज्यादा योगदान होता है, या हैवी मटेरियल्स का भी योगदान होता है। अतः हैवी मटेरियल्स और विटामिन आपके लिए क्या है, जरूरी है। कोई कंफ्यूजन? अब कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होता है, कल लगता है इस पर हल्का चर्चा हुई थी। जैसे विटामिन ए का नाम आपने सुना होगा, विटामिन डी का नाम सुना होगा, विटामिन ई का नाम सुना होगा, विटामिन के का नाम सुना होगा, सुना हुआ लग रहा है ना। तो ए डी ई और के किस में घुलनशील हो गया, वसा में। बचा इधर बी और सी, तो याद रखिएगा विटामिन बी और सी किस में घुलनशील होता है, जल में। विटामिन बी विटामिन सी किस में घुलनशील होता है, जल में। विटामिन ए डी ई और के किस में घुलनशील होता है, वसा में। क्लियर हो गया? तो ये आपके थी विटामिन से संबंधित कुछ चर्चाएं। अब बची खनिज लवण की बात, कहिएगा बीमारी से हम बचिए गए तो आप खनिज लवण बिना कम कम काहे लेंगे, इसकी भी जरूरत आपके बॉडी को है। कहिएगा सर क्या जरूरी है, तो सबसे पहला नंबर तो खनिज लवण जो है आपके भोजन में स्वाद प्रदान करती है, बिना स्वाद का आप भोजन ग्रहण नहीं कर पाते हैं। हम बताए थे कि मटन को खूब बढ़िया से भून लीजिएगा और नमक हल्दी उसमें नहीं दीजिएगा, खाया एकदम नहीं जाएगा। जबरदस्ती भी खाइएगा तो लगेगा नहीं कि हम आप खाना खाए हैं। तो इसलिए खनिज लवण पहला नंबर तो भोजन को स्वाद प्रदान करेगी। दूसरा नंबर कि आप जो भोज्य पदार्थ लेते हैं उसके डाइजेशन में भी खनिज लवण का बहुत बड़ा योगदान है। यदि खनिज लवण का अभाव रहेगा तो उसका पाचन नहीं हो पाएगा। तीसरा चीज कि आप जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करेंगे उस भोज्य पदार्थ के माध्यम से आपके बॉडी को कैल्शियम चाहिए, आपके बॉडी को फास्फोरस चाहिए, आपके बॉडी को सोडियम चाहिए, आपके बॉडी को क्लोरीन भी चाहिए, आपके बॉडी को नाइट्रोजन भी चाहिए, आपके बॉडी को हाइड्रोजन भी चाहिए, आपके बॉडी को कार्बन भी चाहिए। तो ये सब जो खनिज तत्व है, तो खनिज लवण लीजिएगा तब नहीं सब तत्व मिलेगा, और उसके बिना क्या आपके शरीर का निर्माण हो सकता है क्या, कमजोर पड़ जाएंगे आप। तो विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व आपके बॉडी के लिए जरूरी है, हैवी मटेरियल्स आपके बॉडी को चाहिए आपको मजबूती प्रदान करने के लिए। अतः खनिज लवण में ये सारे एलिमेंट्स भी आते हैं जिसकी उपयोगिता आपके बॉडी को है, जिसका उपयोग कर आपकी बॉडी में ताकत मिलती है, आपको शक्ति मिलती है, इसलिए खनिज लवण भी आपके लिए जरूरी है। बची बात जल का, कहिएगा सर तब जल का है लेते हैं, तो जल इसलिए आप लेते हैं कि भोज्य पदार्थ का परिवहन आसानी से हो सके, भोज्य पदार्थ एक जगह से दूसरा जगह जा सके, आपके बॉडी का आंतरिक तापमान नियंत्रित हो सके। क्योंकि कभी कभी देखिएगा प्यास आपको जब जोर से लगती है तो कोई कुछ भी बोलेगा ना तो चिड़चिड़ापन अंदर से आता है, मन करता लपरा दे ओकरा, यानी आपका आंतरिक टेम्परेचर ऊपर जाता है। इसलिए यह जल आपके बॉडी का समझिए 70-75% हिस्सा, आपके बॉडी में जल की मात्रा कम से कम कितना है, 70-75% आपके बॉडी में जल है। और देखते होंगे जब आप उससे ज्यादा जल ले लेते हैं तो वो पसीना के माध्यम से आपके बॉडी से बाहर चली जाती है, आपकी त्वचा में बहुत सारा छिद्र है, पता है ना, इन्हें कहिएगा हम राम नए हैं, सबके त्वचा में छिद्र है, लाखों लाख छिद्र जो है, इसी छिद्र के माध्यम से आपके बॉडी के अंदर का जो एक्स्ट्रा वाटर है, जो टेम्परेचर आपके बॉडी को नियंत्रित कर दिया, बच गया है, तो वो त्वचा के माध्यम से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। एक्स्ट्रा यदि खनिज लवण भी आप ले लेते हैं वो भी त्वचा के माध्यम से बाहर जाता है। कभी कभी गर्मी के मौसम में इसको आप पता चलता होगा आपको कि पूरा व्हाइट व्हाइट हो जाता है, तो वो मिनरल साल्ट है जो आपके बॉडी से जो एक्स्ट्रा है वो बाहर निकल गया।
तो जल का सबसे प्रमुख काम क्या हो गया, भोजन परिवहन करने में मदद करना, शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित करना, ब्लड को आसानी से बहने में सपोर्ट करना, क्योंकि ब्लड का 90% हिस्सा पानी है। आपका बॉडी में ब्लड जो है उसका 90% भाग क्या है, पानी है। 55% प्लाज्मा में 90% समझो करा उसका पानी है। प्रोटीन और हैवी मेटेरियल 2%, प्रोटीन 8% हैवी मेटेरियल मात्र 2% है, यानी मैक्सिमम वाटर ही है। अतः आपके बॉडी के लिए इस जल का भी बहुत बड़ा योगदान है। पानी का अभाव कभी कभी हो जाता होगा तो देखते होंगे भोजन के पचने में भी काफी असुविधाएं होती है, भोजन का डाइजेशन भी सही तरीका से नहीं हो पाता है। जैसे खाना आप खूब खाते जाइए, पानी नहीं पीजिएगा, डाइजेशन रुक जाएगा, भोजन का पाचन सही तरीका से नहीं हो पाएगा। अतः भोजन के पाचन के लिए, भोजन के परिवहन के लिए और बॉडी के आंतरिक तापमान को नियंत्रित करने के लिए जल की बहुत आवश्यकता है। अब देखिए कभी कभी थोड़ा सा टफ टाइप का सवाल क्या पूछ देगा कि सवाल पूछा कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, नहीं सुनिए ना, अब जल ऑप्शन एम नहीं देता है, जल ऑप्शन एम नहीं देता है, कहेगा देता क्या है तो देगा रक्त, क्या देगा रक्त, विटामिन, खनिज लवण और वसा। तो आंसर क्या होगा, तब आंसर बसा होगा चला, कहेगा का है तो आपके त्वचा के जस्ट नीचे उसकी एक परत बनी हुई आपकी बॉडी में जो बाहरी टेम्परेचर से आपको सुरक्षा दिलाती है, यानी बसा भी आपके तापमान को नियंत्रित करती है। बसो नहीं देता तब ब्लड भी होता, क्योंकि ब्लड की कमी भी आपके शरीर में हो जाएगा तो आंतरिक तापमान नियंत्रित नहीं होगा, क्योंकि ब्लड का तो 90% हिस्सा पानी है। इस सब नहीं देगा तब क्या देगा, दे देगा हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, तब आंसर क्या होता, हाइपोथैलेमस। तो ये ऑप्शन पर वैरी करता है कि वो कौन हिसाब से ऑप्शन सेट किया है, जे हिसाब से सेट करेगा वह हिसाब से पट पट क्वेश्चन देखेंगे और खट खट बना देंगे। क्लियर? तो आपने देखा कि जल, खनिज लवण और विटामिन इसकी भी आपके बॉडी में जरूरी है, भले ये आपके शरीर को ऊर्जा नहीं देती है, भले इसका पाचन नहीं होता है, भले इसको तोड़ना नहीं पड़ता है, लेकिन आपके बॉडी के लिए इसकी आवश्यकता है, आपकी बॉडी के लिए इसकी जरूरत है। अब यहां पर आप देख भी सकते हैं कि सूक्ष्म अणु में विटामिन का नाम आया और विटामिन के बारे में जितनी भी सारी चीजें बताई वो आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले कि विटामिन का खोज किसने किया, आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए कि विटामिन का खोज किसने किया, फंक ने किया। हम लोग जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उसमें मैक्सिमम जो एमीन ग्रुप का है उस एमीन ग्रुप वाले को हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं। एमीन ग्रुप का जितना भी हो सब किसका स्रोत हो जाएगा, विटामिन का स्रोत होगा। तो वही वाइटल एमीन जो नाम रखा था उसी को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया, विटामिन। विटामिन शरीर को ना ही ऊर्जा देता है और ना ही शरीर के निर्माण में भाग लेता है, लेकिन करता क्या है तो आपको बीमारी से सुरक्षा पहुंचाता है। यह सब ऑलरेडी आपको पता है, पहले समझा चुके हैं कि आपको एनर्जी नहीं देता है, आपके बॉडी का निर्माण ही नहीं करता है, लेकिन आपको बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए आपके लिए विटामिन क्या है, जरूरी होता है। इसके अलावा विटामिन क्या करता है, आपके बॉडी में जैसे डीएनए बनता है तो डीएनए के निर्माण में भी यह मदद करता है, नर्व इंपल्स के निर्माण में क्या करता है, मदद करता है। इसके अलावा कुछ विटामिन जो है बसा में घुलनशील होता है और कुछ विटामिन जल में घुलनशील। तो बसा में घुलनशील विटामिन का नाम शायद आपको याद होना चाहिए, कौन कौन विटामिन बसा में घुलनशील है, ए डी ई और के। कितना विटामिन बसा में घुलनशील है, 4 विटामिन। कौन कौन, ए डी ई और के। जल में घुलनशील क्या गो, 2 गो। कौन कौन, बी और सी। जल में घुलनशील बी और सी, बसा में घुलनशील ए डी ई और के। सबको याद हो गया क्या, चलिए अब इसमें क्या है कि कभी किसी व्यक्ति को एक ही विटामिन की कमी से कोई एक बीमारी हो जाता है तो उस बीमारी का नाम रखा गया ए विटामिनोसिस। ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी बॉडी में किसी एक विटामिन की कमी से, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी हो, तो किसी एक विटामिन की कमी से जब शरीर में बीमारी उत्पन्न होती है तो उसको कहा जाता है ए विटामिनोसिस। एक से ज्यादा विटामिन की कमी जब बॉडी में हो जाएगा तब जब बीमारी होगा, तो एक से ज्यादा के लिए पॉली यूज किए थे, पॉली मतलब बहुत, पॉली मतलब बहुत, पॉली मतलब बहुत। जब एक से ज्यादा विटामिन की बॉडी में कमी हो जाएगी तो उससे भी बीमारी होती है, उसको क्या कहा जाता है, पॉली ए विटामिनोसिस। उसको क्या कहा जाता है,
पॉली ए विटामिनोसिस, और जब एक एक विटामिन की कमी होगा तब क्या कहलाएगा, ए विटामिनोसिस। यानी एक विटामिन की कमी से बीमारी उत्पन्न हो रहा है तो उसको कौन बोलेंगे, ए विटामिनोसिस। ज्यादा रहेगा तो पॉली, बतबा वही है लेकिन ज्यादा रहेगा तो पॉली लगा देना, ज्यादा रहेगा तो पॉली लगा देना। उसके बाद कुछ विटामिन का निर्माण सहजीवी के द्वारा, ने बताए थे कि आपके जो बड़ी आंत में क्लोन होता है उस क्लोन में कुछ एंजाइम रहता है, कुछ सहजीवी रहता है, उसके द्वारा कुछ विटामिन का निर्माण होता है। जैसे विटामिन B3 का नाम बताए, विटामिन B6 का नाम बताए, विटामिन B12 का नाम बताए, विटामिन K का नाम बताए, तो इस सब का निर्माण किस अंग में होता है, बड़ी आंत में। किस अंग में होता है, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत का ऊपर वाला भाग जिसको आप क्लोन कहते हैं, यानी बड़ी आंत के क्लोन में चार तरह के विटामिन का निर्माण होता है। कितने तरह के विटामिन का, चार तरह के विटामिन का निर्माण होता है। कौन कौन, B3 B6 B12 विटामिन के, B3 B6 B12 और विटामिन के, सबका नाम यहां पर लिखा होगा, आप देख सकते हैं B3 B6 B, कोई दिक्कत, B3 B6 B12 और विटामिन के, ये सब कहां बनता है, कहां बनता है। चलिए अब कुछ विटामिन हमारे बॉडी के अंदर बहुत दिन तक रहता, महीनों दिन तक रहता है, वो जल्दी नष्ट नहीं होता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन B6। कुछ विटामिन आपके बॉडी में जो है महीनों तक संचित रहता है, जैसे कहने का मतलब यह था कि यदि 15-20 दिन में कई दिन गाजर खा लीजिएगा तो आपके बॉडी को मेंटेन रखेगा ए, क्योंकि ए जल्दी नष्ट नहीं होता है। तो या नींबू, कभी कभी सप्ताह हो दो सप्ताह में यदि आप नींबू का रस पी लेते हैं तो उससे आपका काम चल जाएगा। कभी कभी आप क्या कहते हैं, पालक वगैरह या फिर दूध वगैरह खा लेते हैं कभी कभी, तैयो आपका काम चल जाता है। टमाटर कभी खा लीजिए, कभी पालक खा लीजिए, यानी कहने का मतलब यदि मिश्रित भोजन आप करते हैं ना तो आपके बॉडी में हर चीज रहेगा। अब मिश्रित भोजन नहीं करते, रोड खाली रोटी सब्जी खाली कीजिएगा तब धीरे धीरे शरीर कमजोर हो जाएगा। एक बार तो नहीं कमजोर पता नहीं चलता है लेकिन धीरे धीरे कमजोर होगा। इसलिए कभी सलाद भी खाइए, कभी दूध रोटी भी खाइए, कभी खिचड़ी चोखा भी चलिए, कभी चावलों दाल चोखा चलेगा, यानी सब तरह का भोजन। देखो खर्चा उतने पड़ता है, खाली सोचने का लोग को दिक्कत है। अरे तू सब्जी खरीद के ले जाएगा तैयो 20 रुपया की सब्जी तू खरीदे करेगा, गैस चूल्हा नमक फोड़ना फरना चना देवे करेगा, समय बर्बाद करवे करेगा, वो खर्च पड़ता है 30 रुपया सब्जी में, दूध भी ले लेना 30 रुपया का, दूध रोटी खा लेगा समय भी बचेगा, काम भी हो गया, विटामिन प्रोटीन सब मिला। बात बुझ रहा है, तब एग्जाम का टाइम है तो रात में सब्जी नहीं बनाना है, रोटी पटपट बना लेना है और सर सर दूध में गुड़ के खा लेना है, समय भी बचा और पढ़ भी लिए, पैसा उतने खर्च है। आप कहेगा कि पार्टनर सर कहेगा कि हम नहीं देंगे पैसा तब क्यों होगा। चलो अब रक्त स्कंदन बुझ रहा है, ब्लड क्लॉटिंग, नहीं बोले थे रक्त बहना शुरू हो जाएगा तो बंद कर देगा, तो उसी को रक्त स्कंदन कहा जाता है। रक्त स्कंदन का मतलब क्या हो गया, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड जो जम जाता है बॉडी के बाहर बहने से। उसमें कौन विटामिन जिम्मेवार है, विटामिन के और कैल्शियम, प्लेटलेट्स। ने बताए थे यदि शरीर का कोई अंग कट जाएगा, ब्लड बहने लगेगा तो ब्लड का वहां क्लॉट हो जाता है, ब्लड बहना बंद हो जाता है, किस विटामिन के कारण। केला किस विटामिन का स्रोत है, ये सब चीज आप जान चुके हैं। केला किस विटामिन का स्रोत है, विटामिन डी की कमी से कौन बीमारी होता है, तो विटामिन डी की जब कमी हो जाती है तो बचबा में रिकेट्स की बीमारी हो जाता है, और बूढ़े लोगों में होता है ऑस्टियोमलेशिया की बीमारी। बूढ़े लोगों में कौन होगा, ऑस्टियोमलेशिया, लिख लीजिएगा ऑस्टियोमलेशिया, यानी बूढ़े लोगों में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया बीमारी होती है, और बचबा में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। बच्चों में विटामिन डी की कमी से, बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है एवं बूढ़े लोगों में, एवं बूढ़े लोगों में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया बीमारी होती है, जिसमें खाली हड्डी है थोड़ा पूरा शरीर में नजर आएगा, लगेगा खाली त्वचा ऊपर से रखल है। बूढ़े लोगों में कौन बीमारी, ऑस्टियोमलेशिया, कौन बीमारी, ऑस्टियोमलेशिया। अब बचवा में कौन बीमारी, बचवा में कौन बीमारी, रिकेट्स बीमारी होती है, किसकी कमी से,
विटामिन डी की कमी से। कभी कभी क्वेश्चन सेम यही रहेगा कि रिकेट्स बीमारी होती है, ऑप्शन देगा लोहा, कैल्शियम, एल्युमिनियम, सोडियम, आंसर क्या होगा? कैल्शियम। आंसर क्या होगा? कैल्शियम। यानी विटामिन डी की कमी से जो बीमारी हो रहा है वो कैल्शियम के कमी से भी होगा, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम को रखता है। बात बुझ रहे हैं? तो ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन रहता है कि कैल्शियम की कमी से कौन बीमारी होती है, बच्चा में रिकेट्स, बुढ़वा में, बच्चा में रिकेट्स, बुढ़वा में। बात समझ रहे हैं? एक दिन हमें एक बुढ़ा को बोल दिए कि आप लोग तब बुढ़ा सुरा हुए काहे सब पर ध्यान देते हैं। बोला आपको हम बुढ़ा नजर आते हैं, तब क्या था, हम भूतपूर्व जवान हैं। हम बोले बात भी सही है, कहा समझे क्या बोला? बोला हम भूतपूर्व जवान हैं। हम बोले नहीं सही कहे आप, हम ही गलत हैं, हिंदी मेरा कमजोर है लगता है। चलो इधर ध्यान दो, तो गाजर का सबसे अच्छा स्रोत क्या है भाई? गाजर का अच्छा स्रोत में क्या आता है? विटामिन। कोई कंफ्यूजन किन्हीं को? चलिए अब खनिज लवण की हम आपसे बात करते हैं। तो खनिज लवण अंगों के निर्माण में क्या करती है? भाग निभाती है, क्योंकि आपके बॉडी के लिए कैल्शियम चाहिए, लोहा भी चाहिए, सोडियम भी चाहिए, क्लोरीन भी चाहिए, सल्फर भी चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए। ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये सब कहां ऊपर से गिर आएगा कि भोजन में करेगा तभी मिलेगा? तो भोजन में क्या करेगा सब मिलेगा? खनिज लवण लेगा तब आपके शरीर में ये जितना यहां पर देख रहे हैं इस सब की भरपाई आपके बॉडी को हो पाएगी। और यदि इसकी भरपाई आपके बॉडी को नहीं हो पा रही है, इसका मतलब दिन प्रतिदिन आप कमजोर होते जा रहे हैं। इसलिए खनिज लवण भी आपके शरीर के लिए ज्यादा जरूरी है। इसके अलावे आपके बॉडी में ब्लड बनता है, हड्डी का निर्माण होता है, दांत है, आपने सुना होगा दांत जो है कैल्शियम फास्फोरस से मिलकर बना हुआ है। हड्डी कैल्शियम फास्फोरस से बना है, भले कैल्शियम में ज्यादा रहता है लेकिन फास्फोरस भी तो है। बिना कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम फास्फेट का क्या आपका हड्डी का निर्माण होगा? नहीं होगा। तो आपके हड्डी के लिए, आपके दांत के लिए, आपके ब्लड के लिए, आपके मसल्स के लिए, आपके शरीर के हार्मोन के लिए, इस सब के लिए खनिज लवण का भी योगदान है। उसके बाद देखिए आपकी बॉडी को वैसे खनिज जिसकी आवश्यकता 10 ग्राम से ज्यादा होता है, जिसकी आवश्यकता आपकी बॉडी को 10 ग्राम से ज्यादा होगा उसको मैक्रो कहा जाता है, MA वाला। और जेकरा 10 ग्राम से कम आवश्यकता है उसको माइक्रो, यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा हो गया मैक्रो में, और ये खनिज लवण जल विटामिन सब किस में हो गया? माइक्रो में। ज्यादा रहेगा तो मैक्रो MA वाला, और कम रहेगा तो माइक्रो। तो वही लिखा ले, ज्यादा वाला रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? मैक्रो एलिमेंट्स, मैक्रो MACRO। कौन एलिमेंट्स? मैक्रो एलिमेंट्स कहा जाता है, अर्थात ये सब भी आपकी बॉडी के लिए जरूरी होता है। बची शरीर में जल की बात, तो जल के बारे में बतेबे किए कि 70-75% क्या है आपके बॉडी में जले है, और जल भोजन के पाचन के लिए क्या करती है? एक माध्यम देती है, क्योंकि जब तक भोजन का सर्कुलेशन नहीं होगा, जब तक भोजन एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा तो मुंह में भोजन पच जाएगा। हम पहले क्लास में आपको फिगर में दिखाए थे कि आपका भोजन मुंह में नहीं पचना है, आपका भोजन माउथ कैविटी से ग्रसिका के द्वारा स्टोमेक में जाएगा, लिवर में जाएगा, पिनक्रियाज में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। वो हर एक अंग से गुजरता है धीरे 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 धीरे, हर अंग में कुछ न कुछ कुछ न कुछ का पाचन होते हुए वो जब आगे की ओर बढ़ता है तब भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। वो भी छोटी आंत में जब पहुंच जाता है तब उसका संपूर्ण पाचन होता है। तो उस सब तरह ले जाने के लिए जल क्या करती है? एक माध्यम प्रदान करती है, इसलिए जल जरूरी है। जल द्वारा शरीर के तापमान को भी क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। यदि हम पहले ही बता दिए कि पानी का जैसे आपके बॉडी को कमी हो जाएगा तो आपको चिड़चिड़ापन आ जाएगा, पार्टनर का लपराने लगिएगा, भगाने लगिएगा, कहिएगा तू कोनो लाइक नहीं, पढ़ता नहीं लिखता, हमरो टेंशन दे रहा है तुम। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए जब गुस्सा आए तो 2 गिलास पानी पी लीजिए, ग्लूकोज रहे तो एकदम 2 चम्मच ग्राम दे दीजिए, अपने एनर्जी लेवल तुरंत मेंटेन होगा, गुस्सा शांत हो जाएगा। जब ज्यादा गुस्सा आए ना सामने वाला का तो तुम मुस्कुराने लगो, 1 गिलास पानी लेके चल जाओ, थोड़ा पानी पी लीजिए ना, बहुत देर सा पानी नहीं पिए हैं। बात बुझ रहे हैं? और गुस्सा जाता है? नहीं नहीं, पानी पी लेगा तो नहीं गुस्सा आएगा, मना कर देता है, मर्डर। समझ गए ना? तो चिड़चिड़ापन की स्थिति में क्या करना चाहिए लोगों को? तुरंत 1 गिलास पानी पी लेना चाहिए। देखिएगा ऑटोमेटिक 5 मिनट के अंदर आपके बॉडी का सारा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, तब लगेगा दूर ठीक है, कितना मात्रा में जाओ, जो जो करना करो। बात बुझ रहा है? तो आप लोग भी कभी कभी क्या होता है
कुछ कुछ लड़का चला आता है दोसर कोचिंग के कार्ड लेके, कहेगा इसके जा सकते सर इसका इस पर साइन कर दीजिए, मुठ उसमें ठीक नहीं है, हम घर भाग्य से। फिर 2 घंटा के बाद आता है सर अच्छा तुम्हारा लो कर देते हैं, हो गया। तो इसलिए कभी चिंता नहीं करना है, कभी यदि ऐसा बोल भी दे तो बुझ जाना भी इनका मूड सर का ठीक नहीं है, फिर 2 घंटा बाद ही होना ही है। बात बुझ रहा है? हाँ, नहीं तो समय गिलास पानी लेके चल जाना सर, पानी थोड़ा पी लीजिए। बात बुझ रहा है? हाँ, हम कल एगो देखे और 10 बजे घुरा दिए, फिर 5 बजे सांझ का आया, पूछबो नहीं किया, देखबो नहीं किए है, बोले हाँ हाँ कर देते, अल्लाह हो गया। तो इसीलिए जब गुस्सा में लोग रहे ना तो उसमें कुछ नहीं बोलो, तुम शांत रहो, ठीक है, गुस्सा में बोलने दीजिए कोई बात, 2 मिनट अपने शांत हो जाएगा, पानी बोतल में ले जाकर पानी तन ठंडा ना पिला देना। बुझ गया रे? अरे शरीर के टेम्परेचर भी नियंत्रित करता है, बुझना यही था, ये बुझा ना। चलो अब देखो तुम्हारे बॉडी में मूवमेंट भी होता है, देखते हैं बॉडी का जिधर आप चाहते हैं, माने आप चाहते हैं कि मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो ये मूवमेंट विदाउट वाटर संभव नहीं है। कहेगा सर का ये वाटर की करेगा मूवमेंट में, तो जहां जहां से मूवमेंट तुम्हारा बॉडी का होता है वहां पर लुब्रिकेंट का काम करता है। अच्छा साइकिल कभी आप लोग चलाए हैं? देखते होंगे जब वो क्या बोलते चेन जम हो जाता था तो बहुत शक्ति लगता था मारने में, और तोरा मोबिल दे देते तब की होता था, हन हन करता था ना, तो वो मोबिल किसका काम किया? स्नेहक का, लुब्रिकेंट का, उसके पूरे घर्षण को खत्म कर देता था और आसानी से हम लोग चलाने लगते थे। उसी तरह से आपके बॉडी के मूवमेंट के लिए आपके शरीर में वाटर चाहिए, वाटर की कमी हो जाएगा धीरे धीरे सब क्या हो जाएगा, हड्डी गुड़ी नस धीरे धीरे जाम होने लगेगा, पता चलेगा जहां खड़ा रहेगा वहीं रह जाएगा। इसलिए पानी आपके बॉडी को जरूरी है, और पर डे कितना पानी जरूरी है आपको पता है? कम से कम 6 से 7 लीटर आपके बॉडी को पानी चाहिए। और आप लोग क्या लीटर डेली पी लेते होंगे? 2 लीटर? 1 लीटर बहुत हो गया। नहीं रे, हे कतिया गिलास, नहीं नहीं लीटर, 6 से 7 गिलास हम एक बार में पी जाते हैं। 6 से 7 लीटर पानी जरूरी है आपके बॉडी के लिए, गिलास नहीं, गिलास से काम चलेगा तो बॉडी को बताइए। चलो क्लियर हो गया? चलिए तो अभी तक हम लोग क्या किए, भोजन का जो 6 अवयव था उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। भोजन के 6 अवयव में कौन कौन सा नाम आ गया, जल्दी नाम बोलो। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, विटामिन, खनिज, लवण, कितना अवयव का नाम बोले? 6 अवयव का नाम। 6 अवयव का नाम सब लोगों को याद है? चलिए, लेकिन एक बात और याद करवाए थे, 6 अंगों आपके बॉडी में है। ये जो 6 इधर है तो 6 उधरों है, 6 अंग आपके बॉडी के अंदर है, और वो अंग के सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं आप? पाचन तंत्र। इस चैप्टर का नाम ही था डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, और तंत्र का मतलब बताए थे ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स, अंगों का समूह। तो केकर अंगों का समूह जो आपके बॉडी में भोजन का पाचन करता है, जो आपके बॉडी में भोजन का पाचन करता है, वैसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र। और इसमें कितने अंग का नाम बोले थे? 6 अंग का। एक बार सब अंग का नाम देखेंगे। एक में बताए थे मुख गुहा, दूसरा बताए थे अमाशय, तीसरा बताए थे यकृत, चौथा बताए थे अग्नाशय, पांचवा बताए थे छोटी आंत, और छठा क्या बताए थे? बड़ी आंत। तो पाचन तंत्र में कुल कितना अंग है? कितना अंग है? नीचे दिख रहा है सभी लोगों को? सबको दिख रहा है? चलिए तो कितना अंग लिख लिए? 6 अंग। कौन कौन? क्लियर हो गया? मुगवा, अमाशय, यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। अब इधर गौर करना है, मुख गुहा में हम आपको 3 अंग बता दिए थे, बताए थे ना? एक का नाम बोले थे दांत, एक का नाम बोले थे दांत, दूसर का नाम था जीभ, और तीसर का नाम था लार ग्रंथि, सेलिब्री ग्लैंड। एकदम ध्यान से देखिएगा,
पाचन तंत्र में 6 अंक का नाम हुआ, जिसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माउथ कैविटी के बारे में, यानी मुख गुहा के बारे में। तो गौर कीजिएगा, ये जो मुख गुहा आपका है, तो इस मुख गुहा में भी 3 अंग है। आपका मुंह में है दांत, जीभ और लार ग्रंथि, ये तीनों सबको है ना? जिसको नहीं है उसके लिए सॉरी, लेकिन सबको होगा है ना रे? अब कोई बुरा हो जाएगा तो नहीं रहेगा, इसमें से कुछ ऐसा भी होगा बुरा हो गया नहीं है, हम उक्रम की करेंगे, लेकिन होगा, दांत भी होगा, जीभ भी होगा और लार ग्रंथि भी होगा। तो अब आपको पार्टिकुलर दांत के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि दांत से संबंधित कहेगा सर क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो दांत से संबंधित क्वेश्चन पूछता है दांत किसका बना होता है, दांत कितने प्रकार का होता है, दांत किस दांत की क्या उपयोगिता है, किस दांत का कौन सा कार्य है, किस दांत का कहां पोजीशन है, कौन दांत किस एज में निकलता है, कौन दांत किस एज में निकलता है, दांत कितना होता है, किस एज में नंबर ऑफ टीथ कितना होता है, डेंटल फॉर्मूला क्या है वयस्कों के लिए, डेंटल फॉर्मूला क्या है बचबा के लिए, पूरे जीवन काल में क्या दांत निकलेगा, ऐसे करके हजारों की संख्या में क्वेश्चन उत्पन्न कर देता है। कभी कभी तो मन इतना चीर जाएगा, मन करेगा लपरा दे क्वेश्चन सेट करने वाला का, जैसे लग रहा है दांते से PhD कर ले है, कुछ से कुछ पूछ देता है। बात समझे? तो आपको इसमें दांत के बारे में भी जानना है, जीभ के बारे में भी जानना है और लार ग्रंथि के बारे में भी जानना है। ये सारी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? और भरबली ये सब लिखा हुआ भी होना चाहिए आपकी किताब में, लिख ले है सब कुछ, कोई टेंशन भी आपको नहीं। अब फिगर भी शायद बना ही होगा आपकी किताब में, फिगर बना हुआ था क्या? एकदम बनल था। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं माउथ कैविटी, जिसको आप कहते हैं मुख गुहा। तो मुख गुहा का कितना अंग हो गया? कौन कौन? दांत, जीभ और लार ग्रंथि। दांत, जीभ और लार ग्रंथि। अब हम पार्टिकुलर पढ़ेंगे दांत के बारे में कि दांत है क्या। तो एकदम ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, दांतबाग फिगर बा बनल होना चाहिए, कितने बनाएंगे चकचुक बोला, लेकिन नहीं जे हम चाह रहे थे उन्हें ध्यान देंगे। अभी जिस दांत के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं उसकी एक रफली फिगर आपके सामने है, आपके बुक में भी लगता है यही तब होगा। देखो चकचुक बोला दिए थे, उजर का दांत था ना है ग्रह। अच्छा कल दिखा देंगे, मेरे पेन ड्राइव में होगा ध्यान देंगे इधर। तो दांत की आकृति यहां थोड़ा लंबा इसलिए हो गया था क्योंकि किताब, उसको किताब के हिसाब से सेट करना था। ऐसा होता नहीं, दांत का इस टाइप से उसका स्ट्रक्चर बनना चाहिए था, इस तरह के आपके माउथ कैविटी में, तब दांत सेट होगा सब जगह। ऐसे होगा तैसे मुंह किसी को होता है बुझ जाना है कैसन के है, एकदम गौर से देखना बाबू। तो अभी जो आप दांत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो दांत का इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, और आपका दांत जो होता है उसमें भी 4 गो चंबर रहता है। दांत ऐसे नहीं बुझाएगा तुमको, बनाइए देते हैं, देखो इधर आपका जो दांत है चला, इस दांत में भी क्या होता है 4 गो चंबर रहता है। दांत में कितना चंबर रहता है? 4 गो। दिख रहा है सभी लोगों को क्या? देखो तो उधर नजर देखे, दिख रहा है ना दांत में कै गो चंबर रहता है टोटल? तो दांत में भी 4 गो चंबर होता है, और प्रत्येक चंबर में दांत एक एक रंग का होता है। जैसे कभी गौर करना, बीच में 2 गो दांत जो रहता है ना, वो इस तरह का 2 गो सेम साइज का रहेगा, चौला चौला दांत, ये भी दिख रहा है क्या? इसके बाद एक गो रहता है नुकीला, उसके बाद 2 गो थोड़ा ज्यादा चौला, ओकर बाद जो 3 गो रहेगा ना वो एकदम मोटा मोटा चौला चौला रहता है। तो कुल मिलाकर 2 गो हो गया, 1 हो गया, 2 गो हो गया, 3 गो हो गया, तो 2 1 3 2 5 3 कितना? 8। इसका मतलब दांत के एक गो चंबर में कै गो दांत? 8 गो दांत। तो जे एक गो चंबर में दांत है उतने तो नीचा भी होना चाहिए, तो 8 8 कै गो हो गया? 16। उतने तो इधरों होना चाहिए, उतने इधरों होना चाहिए, तो टोटल कै गो हो गया? टोटल कै गो हो गया? 32 गो। इसका मतलब है कि टोटल दांत जो तोरा बॉडी माउथ कैविटी में 32 गो हो गया, उसका सीक्वेंस यही है 2 1 2 3 नहीं, 2 गो थोड़ा चौला,
एगो नुकीला जिसका यूज तुम चीरने वगैरह में करते, गन्ना चीरना है तो ऐसे साइड से चीरते हैं, ऐसा है ना, ऐसे ऐसे चीरने लगता है कि खाने के लिए भी सिखाना पड़ेगा, वो सब नहीं सिखाना है हमको, ध्यान देना। तो उसका सीक्वेंस फिक्स है कि दूगो रहेगा थोड़ा चौला, एक रहेगा एकदम नुकीला, फिर दूगो उससे थोड़ा ज्यादा, और तीन को लास्ट का मोटा भी रहेगा चौला भी रहेगा। सेम वही सीक्वेंस नीचे भी, दाएं भी बाएं भी सब जगह रहेगा। तो आठ आठ सोलह, आठ कितना चौबीस, आठ कितना बत्तीस। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है मनुष्य में क्या गो दांत होता है, कितना दांत होता है मनुष्य में, बत्तीस को दांत होता है, और दांत कैसे कैसे होता है वो तुम्हारे सामने है, लेकिन इससे काम तोहर चलने वाला नहीं है। कहेगा तब कैसे काम चलेगा मास्टर साहब, है देखो तोरा बताते हैं कैसे काम चलेगा। अब तोरा पूछेगा वो दांत जो दिखाए कि दूगो था थोड़ा चौला एगो था नुकीला, दूगो क्या था थोड़ा चौला एगो क्या था नुकीला, ओकर बाद दूगो उससे थोड़ा ज्यादा और तीन गो तो साफ मोट था, तो उसमें क्या है। हेलो की होलो रे, की न बोलने लगा रे, अरे चल अब कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको गौर से देखना, ई दूग हो गया, ई एक हो गया, दूग हो गया और तीन हो गया, एकदम साफा साफ दिख रहा होगा तुमको। आठ गो टोटल हो गया, आठ गो एकरो में, आठ गो एकरो में, आठ गो एकरो में। अब कहिएगा की बताना आप चाह रहे हैं, तनी वो बताइए ना की कह रहे हैं, देखो आप बताते। अब एकरा में जो चार गो दांत लिखे ना, वो दांत का अलग अलग नाम है, वो दांत जो देखे उसके दांत के प्रकार में जो है उसका अलग अलग नाम है। तो दांत के प्रकार में तुम दांत क्या तरह का वहां देख रहा है, चार तरह का, एगो सेम साइज का दूगो है, एगो अकेले है, फिर दूगो है, फिर तीन गो है। तो दांत क्या टाइप का वहां दिख रहा है तुमको, चार प्रकार का। तो दांत का प्रकार, उसकी संख्या और उसका कार्य, इससे संबंधित सवालें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो दांत जो चार तरह का है उसमें पहलुकवा जो दूगो है इसको कहा जाता है इंसीजर, क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है इंसीजर। एक नुकीला वाला दिख रहा है, ये वाला नुकीला जो है इसको कहा जाता है केनाइन, क्या कहा जाता है केनाइन। ओकर बाद वाला दूगो कहा जाता है प्रीमोलर, क्या कहा जाता है प्रीमोलर, और लास्ट वाला को कहा जाता है मोलर। सभी लोगों को चारों नाम याद हो गया क्या, दांत कितने प्रकार के होते हैं, क्या प्रकार के, चार प्रकार के, कौन कौन, इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसीजर केनाइन प्रीमोलर, इंसीजर केनाइन प्रीमोलर, कोई कंफ्यूजन। अब संख्या की बात करेंगे तो गौर करना बुआ, जब एकरा एक चंबर में दुएगो था तो दुग नीचे भी होगा, दुग ई पगल भी होगा, और दुग ऊ पगल भी होगा, दू दू चार दू छह दू आठ। इसका मतलब होता है, एक मिनट, दुएगो एगो चंबर में, लेकिन चंबर तो है चार गो, तो दो गुने, एक मिनट, दो गुने चार बराबर के, कोई कंफ्यूजन किसी को कहीं से भी। अब एक नुकीला वाला एक चंबर में है तो उत चारों चंबर में होगा, तो एक गुना चार क्या हो गया, चार। इसका मतलब केनाइन का दांत कै गो, चार गो, इंसीजर कै गो, आठ गो, एगो में प्रीमोलर दो गया तो चारों में ना होगा, तो दो गुना चार कै गो, आठ गो, क्लियर हो गया। मोलर जब एगो में तीन गो है तो एकरो में तीन, एकरो में तीन, एकरो में तीन, तो चारों में तीन तीन गो दांत, तो तीन गुना चार कितना, क्लियर हो गया। अब एग्जाम में सवाल पूछेगा कि मोलर दांत की कुल संख्या कै गो, प्रीमोलर का, केनाइन का, इंसीजर का, टोटल को जोड़ देंगे तो क्या होगा, बत्तीस गो। टोटल को नहीं होगा बत्तीस गो, क्या टोटल को जोड़िएगा तो क्या गो, बत्तीस गो। बची काम की बात कि किसका क्या वर्क है, तो फंक्शंस ऑफ टीथ देखेंगे तो इंसीजर का काम है काटना, इंसीजर का काम क्या है बाबू, इंसीजर का काम है काटना, केनाइन का काम है चीरना, और इन दोनों का सेम काम होता है पीसना व चबाना, पीसना व चबाना। गौर करना, जब कुछ काटने की बात होती है तो आप इस दांत का यूज करते हैं, सामने वाला का, यानी इस दांत का यूज आप करते हैं काटने में, चाहे ऊपर से हो या नीचे से जो भी हो। तो इस सामने वाला दांत का काम, जो केनाइन आपका इंसीजर है, वो इंसीजर का काम क्या हो गया, काटना। उसके बाद केनाइन का काम क्या हो गया,
चीरना। अब प्रीमोलर और मोलर का काम क्या हो गया? पीसना हुआ चबाना, दोनों का सेम काम। प्रीमोलर का भी और मोलर का भी ये पांचों दांत का काम है पीसना व चबाना, पीसना व चबाना। कोई कंफ्यूजन? दांत का काम समझ में आ रहा है? एग्जाम में सवाल पूछेगा केनाइन का क्या काम है? केनाइन का चीरना, इंसीजर का चबाना, प्रीमोलर मोलर का चबाना, प्रीमोलर मोलर का पीसना व चबाना, पीसना व चबाना। तो टोटल 3200 दांत का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लेकिन जब बच्चा छोटा रहता है तो उसमें इतना दांत नहीं होता है, नहीं? बच्चा जब छोटा रहेगा तो क्या 32 दांत होगा? नहीं होगा। तो उसमें क्या नहीं होगा तो ध्यान दीजिएगा, उसमें ये जो तुम प्रीमोलर देखा है ना, ये प्रीमोलर बचवा में नहीं होता है, और अंतिम मोलर जो है ई बला इहो बचवा में नहीं होता है। यानी ई बला भी अब्सेंट रहता है और ई प्रीमोलर भी अब्सेंट रहता है। पानी नॉर्मल है रे प्रिंस, पानी नॉर्मल है? प्रीमोलर दांत भी अब्सेंट रहता है और अंतिम मोलर दांत भी क्या रहता है? अब्सेंट रहता है। तो ये दो दांत जब अब्सेंट है, चारों मिला के 8 गुदांत इधर अब्सेंट हो गया, एक उधर, तो 4 उधर से 8 कितना? 12। एकर मतलब है कि 32 दांत में 12 गो दांत बचवा में नहीं होता है, अब्सेंटे रहता है। तो बचवा में कै गो दांत होगा? कोई कंफ्यूजन? जब अरे 32 को 12 को तो गायब हो गया ना, प्रीमोलर दुग रहता है लेकिन चारों चमर में 8 को रहेगा, अंतिम मोलर एक का गोल निकाल देंगे, तो 4 को 8 कितना? 12। तो 32 गो में 12 गो गायब हो गया, तो बचवा में क्या गुदा तो बचेगा? तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछिए देगा तो कोनो गुनाह कर देगा आपसे। बच्चों में दांतों की कुल संख्या कै गो? कै गो? 20 गो। अब जब ये 20 गो ई हो गया तो आप यहां पर देख सकते हैं, जब 32 को दांत था तो 2 1 2 3 था, नहीं था? पूरा फिक्स था, उतना नीचों में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और दूसरे गुना कर देंगे तो उधरों होना चाहिए, तब टोटल कितना दांत हो गया? 32। ये एक फॉर्मूला है, इसको कहा जाता है डेंटल फॉर्मूला ऑफ मैन। ये कौन फॉर्मूला हो गया बाबू? ये हो गया डेंटल फॉर्मूला ऑफ मैन, डेंटल फॉर्मूला ऑफ मैन। एग्जाम में सवाल पूछेगा डेंटल फॉर्मूला ऑफ मैन तो ये लिख देंगे क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं? लेकिन बचवा वाला में अप्लाई नहीं होगा। काहे नहीं होगा? काहे कि प्रीमोलर अंतिम मोलर तो अब्सेंट था। तो जब सवाल उठेगा कि डेंटल फॉर्मूला ऑफ चाइल्ड की बात यदि करेगा कि डेंटल फॉर्मूला ऑफ चाइल्ड क्या होगा, तो एक इसको अंतिम वाला को हटा देंगे तो 210 2, चूंकि एगो निकल चुका है, उतना नीचे भी 2102, उतना साइड में भी, तो कुल मिला के कैगो? कैगो? 20 गो। कौन दांत अब्सेंट रहा? प्रीमोलर एवं अंतिम मोलर, प्रीमोलर एवं अंतिम मोलर। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा बच्चों में कौन सा दांत अनुपस्थित रहता है, तो आंसर क्या बोलेंगे? प्रीमोलर और अंतिम मोलर, प्रीमोलर और अंतिम मोलर। ये जो अंतिम मोलर जो हटाए थे ना आप, उसको कहा जाता अंग्रेजी में विजडम टीथ, यानी अकल चौवा। अकल चौवा नॉर्मली आप यूज करते होंगे, कोई कोई बच्चा जिसे बदमाशी करेगा ना तो कहेगा अभी अकल चौवा ही नहीं कि अच्छा चक चुक करता मारेंगे इतना छोटा की, एकर मतलब अभी मेच्योर नहीं हुआ है। और उत्तम होगा जब आपका एज कम से कम 20 से 24 वर्ष के आसपास पहुंच जाएगा। सब लोग का लगभग पहुंच ही गया होगा, अकल चौवा आइए रहा होगा, जेकर कम होगा नहीं आया होगा अभी अकल चौवा। और जब तक अकल चौवा नहीं आता तब तक अकल ही नहीं आता है, याद रखना। जब तक अकल चौवा नहीं निकलेगा तब तक मेच्योरिटी जो होनी चाहिए आप में वो नहीं हो पाती है। देखिएगा कुछ से कुछ करेगा, कुछ से कुछ बोलेगा, जैसे वो निकल जाएगा शांत हो जाएगा, तब ओकरा बुद्धि याद आता है, तब वो हर चीज अपने अकल से करता है। अभी वो दोसर का अकल से काम कर रहा है, कोई कह देगा तन बतिया लेना उसे तो बतिया लेगा, बाद में सोच बतियागा बतियाएंगे तो क्या घाटा होगा क्या फायदा होगा। अभी देखो कहे चूजा है ये सब केकरो से बतिया लेता है, कोई वो कह देगा हमसे बात करेगा हाँ करेंगे कहन करेंगे नहीं, आ जब अकल चौवा निकल जाएगा तब की होगा? नहीं नहीं बाप रे बाप गोर लगे नहीं नहीं भाई फलना भैया अभी बतियाए थे बाप रे बाप कितना घाटा लगा हम बूझते बाप रे बाप, बात बूझ रहा चला?
तो अकल चौवा आना बहुत जरूरी है, लेकिन उस समय पर ऐबे नहीं करता है, ऐबे करता है बाद में, बात बुझ रहा है। तो अकल चौवा कौन ऐद में आएगा, 20 से 24 में आएगा, कम नहीं आता है। तुम लोग कहल के आ गया होगा, तुम लोग बच्चा अब नहीं रहा। चलिए तो आज की सेवा हम यहीं रोकते हैं, अगले क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।